अखाड़ा में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, जहां मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन माहौल पूरी तरह से चुनावी हो चुका है। उस चुनावी अखाड़ा में अलग अलग रंग निकल कर आ रहे हैं। बीजेपी की लिस्ट पर मध्य प्रदेश की सियासत गरमा गई है। लिस्ट में जिसका पत्ता कट गया है वो भी दुखी है, और जिनको टिकट मिला है वो भी दुखी है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय उन्हीं में से एक लग रहे हैं, जिन्हें पार्टी ने टिकट तो दिया लेकिन वो इससे खुश नहीं है। इंदौर से विधानसभा सीट मिलने के बाद कैलाश विजयवर्गीय का दर्द छलक गया, देखिए। इच्छा ही नहीं, एक तब 1% भी इच्छा नहीं। एक माइंड सेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना, भाषण अब बड़े नेता हो गए, हाथ हाथ जोड़ने का जाना, तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने। तो हमने तो प्लान ये बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से, इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में, और ऐसा प्लान भी बन गया था। पर आप जो सोचते वो होता क्या, भगवान की जो इच्छा होती वही होता है। हाँ, मतलब एक माइंडसेट नहीं था चुनाव लड़ने का, ये बात सही है कि मैं चुनाव लड़ूंगा अब ऐसा लग नहीं रहा था, क्योंकि जिस रास्ते पर मैं पिछले 10 साल से चल रहा हूँ वहाँ चुनाव लड़ाने के लिए जा रहा हूँ, प्रचार के लिए जा रहा हूँ, और 10 साल में एकदम ऐसा माइंडसेट बन गया था कि अब जाकर गली गली घूमूं और वोट मांगू, ऐसा मतलब माइंडसेट नहीं था। पर पार्टी की इच्छा है, पार्टी ने जो आदेश दिया उसका पालन करूँ। तो माइंडसेट क्या था, यही तो प्रश्न उठता है। कैलाश विजयवर्गीय, क्या अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे और उन्हीं को कह दिया कि भाई आप ही लड़ लो? इधर मध्य प्रदेश के कांग्रेस में बड़े नेता दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसा और कहा कि बीजेपी गुजरात का प्रयोग मध्य प्रदेश में कर रही है, बीजेपी मध्य प्रदेश में सीएम का टिकट भी काट सकती है। प्रयोग जो गुजरात में किया था कि सारे मिनिस्टर सबके टिकट काट दिए, वो यहाँ भी प्रयोग हो सकता है। इसका मतलब ये होगा कि मुख्यमंत्री से लेकर जितने मंत्री हैं सबके टिकट भी कट सकते हैं भाजपा के, लेकिन क्या होता हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता मन बना चुकी है, कांग्रेस के पक्ष में लहर है, कितना ही वो लोग कर लें। अब लाडली बहना, अरे 19-19 साल बाद आपको बहना याद आ रही है। मध्य प्रदेश से हमारे सहयोगी मनोज शर्मा जुड़ रहे हैं। मनोज, ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस चुस्कियां ले रही है और बीजेपी के कई नेता सिसकियां भर रहे हैं? आनंद, आप शुरू में जो कह रहे थे ना कि लोग टिकटों टिकट के लिए चुनाव के वक्त में टिकट के लिए लाइन लगी होती है, नेता परेशान होते हैं कि टिकट मिल जाए, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। कैलाश विजयवर्गीय की अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि उनका तो माइंड सेट, यानी उनके दिमाग में दूर दूर तक ये बात नहीं थी कि मध्य प्रदेश के चुनाव में बतौर पार्टी महासचिव वो इस तरह से चुनाव लड़ रहे होंगे। मैं इंदौर का गणित आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन इसमें साथ में ये जरूर कहूंगा कि कैलाश विजयवर्गीय के पास बेबाकी है, लेकिन अगर इतनी ही बेबाकी अगर पूछा जाए अंदर, मतलब मन की बात अगर शेयर करें, साझा करें, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और जो बाकी सांसद हैं, जिनको जैसे मिसाल के तौर पर रीति पाठक को उस जगह से लड़ाया गया है, आनंद आपको याद होगा पेशाब कांड हुआ था, और सीधी में उस पेशाब कांड के बाद केदार शुक्ला जो वहाँ के अभी मौजूदा विधायक हैं बीजेपी के, उनके साथ के करीबी का एक का नाम आया था, तो सारी कठिन सीट थी वो सीधी की, और वहाँ से रीति पाठक को टिकट मिली। यानी अगर बेबाकी से बाकी नेता बोले तो अभी तो जो दिग्गजों को टिकट मिली है उसमें बीजेपी के तमाम दिग्गज जानते हैं कि उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। लेकिन जहाँ तक इंदौर की बात है तो कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर एक सीट से उतारा आनंद। इंदौर एक सीट अगर बीता चुनाव छोड़ दें 2018 का, तो उसके पहले लगातार 3 बार खुद बीजेपी जीती, और बीजेपी चाहती है कि जो एक बार फिर से वापस बीजेपी की झोली में इंदौर एक सीट आए। और उनके जो बेटे हैं जो इंदौर 3 से हैं, अब सवाल इस पर उठ रहे हैं क्या इंदौर 3 से आकाश विजयवर्गीय को दोबारा टिकट मिलेगा? बाप बेटा दोनों क्या इंदौर से लड़ेंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ बीजेपी का कहीं ना कहीं एक मैसेजिंग चल रहा है, इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं विधानसभा चुनाव के लिए। बीजेपी की तरफ से कई दिग्गजों को उतारने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट में जो भाषण दिया उसके कई सारे मायने दिखा ले जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पहले अपने कार्यकाल की उपलब्धियों के लिए सभी मंत्रियों और अधिकारियों का शुक्रिया अदा किया। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना के दौरान पूरी लगन और मेहनत से काम करने के लिए अधिकारियों की टीम का आभार भी जताया।
शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस तरह से अपने अधिकारियों से बात की और